मध्य प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीतियों और यूरिया खाद को लेकर भाजपा द्वारा घटिया तहसील मुख्यालय पर घटिया मंडल ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें जिले से और ग्रामीण क्षेत्रों से नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें सभी भाजपा नेताओं ने अपना अपना मत रखा। वहीं भाषण में उज्जैन भाजपा जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला की जुबान फिसल गई। धरना प्रदर्शन में यूरिया को लेकर प्रदेश सरकार को घेरना था, पर अपनी ही केंद्र सरकार को भ्रष्ट सरकार कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो केंद्र में बैठी सरकार है वो यूरिया की कालाबाजारी करने वाली, किसान को धोखा देने वाली केंद्र में बैठी भ्रष्ट सरकार है। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। अपने खेत में दवाई छिटके पानी पानी से सिंचाई करे, दवाई डाले, निराई गुड़ाई करे, क्या आपके यहाँ 5 दिन तक 5 बोरी यूरिया लेने के लिए लाइन में खड़ा रहेगा? निश्चित रूप से ये यूरिया की कालाबाजारी और ये किसानों को धोखा, ये धोखा देने वाली सरकार, ये केंद्र में बैठी हुई सरकार ने जो मध्य प्रदेश को किसानों को जो 6,000 रुपए हम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।